हेलो स्टूडेंट्स, नाउ कंटिन्यूइंग आवर लास्ट वीडियो एंड टेकिंग द रूल नंबर थर्ड स्टूडेंट्स, ओके। तो रूल नंबर थर्ड सेज दैट इफ द डिजिट टू बी ड्रॉन्ड, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉन्ड इज फाइव, यानी कि जो नंबर को आप ड्रॉ करना चाहते हो अगर वो डिजिट फाइव है, तो राउंड बाय डिजिट्स अदर देन जीरो then the preceding digit is raised by one. तो रूल नंबर थर्ड सेज दैट इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज फाइव, यानी कि जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हो वो डिजिट क्या हो जाए, फाइव हो जाए, ओके। पहले वाले दो रूल्स में क्या था, जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते थे वो या तो लेस देन फाइव थी या ग्रेटर देन फाइव थी। अब क्वेश्चन आता है कि जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हो अगर वो डिजिट फाइव है, फ्लोट बाय डिजिट अदर देन जीरो, यानी उसके बाद क्या आ जाए, ऐसी डिजिट आ जाए जो क्या आ जाए, अदर देन जीरो, यानी कि जीरो ना आए बस जीरो के बाद कुछ भी आ सकता है, जीरो छोटे कुछ भी आ सकता है। तो क्या कह रहा है वो कि जो प्रसीडिंग डिजिट है, यानी कि जो पहले वाली डिजिट है, द प्रसीडिंग डिजिट दैट इज रेज्ड बाय वन, वो वन रेज हो जाएगी। कैसे, मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूं फ्रेंड्स इसको। लेट्स से एग्जांपल एक्स इज इक्वल टू 16.351, ओके, दिस इज एग्जांपल। हियर दिस इज द 5 व्हिच वी वांट लेफ्ट, यू कैन से इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हो वो डिजिट अगर क्या हो जाए, 5 हो जाए, ओके। फर्स्ट टू रूल्स में क्या था, नंबर ग्रेटर देन 5 था और लेस देन 5 था। अब थर्ड वाले में क्या आ गया, नंबर 5 आ गया जिसको आप ड्रॉप करना चाहते हो। अगर उससे क्या कह रहा है, उसके बाद देखिए फ्लोट बाय डिजिट अदर देन 0, इसका मतलब 5 के बाद जो नंबर आएगा अगर वो 0 ना होकर 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, तो वो क्या कहता है कि जो प्रसीडिंग डिजिट है ना उसके अंदर 1 ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 नंबर ऐड हो जाएगा। कहने का मतलब जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हो वो डिजिट 5 है और उसके आगे कोई ऐसा नंबर है जो नॉन जीरो है, क्या है, नॉन जीरो, तो जो प्रसीडिंग डिजिट है ना उसमें 1 नंबर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका राउंडिंग ऑफ क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 16.4, राउंडिंग ऑफ क्या जाएगा इसका, 16.4, बिकॉज यहाँ पे देखिए 5 के बाद क्या नंबर है, नॉन जीरो नंबर है। अगर यहाँ पे जीरो होता फिर रूल कुछ और होता, वो रूल को हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिए जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हो अगर वो डिजिट 5 है और 5 के बाद नॉन जीरो टर्म आ जाए, जैसे 1 क्या है, 1 नॉन जीरो टर्म है, तो ये जो प्रसीडिंग डिजिट है ना इट इज रेज्ड बाय 1, ओके। नाउ स्टार्ट टेकिंग अनदर रूल, रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 व्हाट सेज दैट, रूल नंबर 4 सेज दैट इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 followed by a zero, then the preceding digit remains unchanged, okay। Rule number 4 says that if the digit to be dropped is 5 or 5 followed by 0 then preceding digit is left unchanged if it is even,
इफ इट इज इवन। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रूल है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज फाइव और फाइव फ्लोट बाय जीरो, इसका मतलब ऐसी डिजिट जिसको आप ड्रॉप करना चाहते हो वो डिजिट अगर फाइव है या फाइव के बाद क्या आ जाए जीरो आ जाए, जैसे पिछले वाले रूल में क्या कहा था कि फाइव के बाद अगर नॉन जीरो टर्म आती है तो जो प्रोसीडिंग डिजिट है वो क्या आ जाएगी वन रेज कर जाएगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये आ गया कि जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हो या तो वो डिजिट फाइव है या फाइव के बाद आपके पास क्या आ जाए जीरो टर्म आ जाए, तो उससे पहले वाली जो प्रोसीडिंग डिजिट है ना उस वो अनचेंज रहेगी कब, अगर वो नंबर क्या है इवन है। क्या है इवन कैसे, एग्जांपल से ले करता हूं फ्रेंड्स, जैसे एग्जांपल हमारे पास x इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे 3.250, तो देखिए जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हो वो क्या फाइव, क्या है फाइव, या तो फाइव हो या फाइव के बाद जीरो हो, तो जीरो भी आ गई, फाइव के बाद जीरो भी है, फाइव के बाद जीरो जरूरी भी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी, अगर फाइव है तो फिर भी काम चलेगा। तो अगर जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हो वो फाइव है और फाइव के बाद क्या है जीरो है, तो कहते हैं कि जो प्रोसीडिंग डिजिट है ना वो अनचेंज रहेगी, इट विल रिमेन अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। देखिए टू क्या है, टू नंबर इवन है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर नंबर इवन है तो इस नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका राउंडिंग वो बताइए स्टूडेंट्स क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 3.2, इसका राउंडिंग ऑफ आ गया, टू नंबर में कोई ऐड नहीं हुआ, इट रिमेन्स अनचेंज्ड, ओके इट रिमेन्स अनचेंज्ड, दिस इज द रूल नंबर फोर। अब देखिए रूल नंबर फिफ्थ क्या है स्टूडेंट्स, इसी का ही एक वो है रूल नंबर फिफ्थ, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। रूल नंबर फिफ्थ क्या कहता है, रूल नंबर फिफ्थ क्या कहता है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज फाइव और फाइव फ्लोट बाय जीरो देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय वन, देखिए देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज, यहां पे बस थोड़ा सा चेंज आएगा, इज रेज्ड बाय वन, प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय वन, इज रेज्ड बाय वन, रेज्ड बाय वन इफ इट इज ओड, इफ इट इज ओड, इफ इट इज ओड। पहले वाले में क्या था स्टूडेंट्स, नंबर फाइव था, फाइव के बाद या जीरो आ जाए तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है अगर वो इवन है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अब वो कहता है कि अगर प्रीसीडिंग डिजिट क्या आ जाए ओड है, क्या है ओड, नंबर क्या हो फाइव है जिसको आप ड्रॉप करना चाहते हो या फाइव के बाद जीरो है, तो प्रीसीडिंग डिजिट अगर ओड होगी तो उसमें क्या होगा वन ऐड हो जाएगा। कैसे, मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूँ इसको, जैसे आई टेक द एग्जांपल ऑफ x इज इक्वल टू 3.750, ओके लेट टेक दिस एग्जांपल, यहाँ पे देखिए जिस टर्म को आप ड्रॉ करना चाहते हो वो फाइव है, फाइव के बाद क्या है जीरो है, ओके तो जो प्रोसीडिंग डिजिट है ना उसमें वन ऐड होगा, क्यों, क्योंकि प्रोसीडिंग डिजिट इज ओल्ड नंबर, दिस इज ओल्ड नंबर, अगर इवन नंबर था तो इसमें कोई चेंज नहीं आया था, बट दिस इज ओल्ड नंबर तो इट मीन्स इवन वी राउंड ऑफ वन इज एडेड, इट मीन्स x इज इक्वल टू 3.8, क्या जाएगा राउंड ऑफ 3.8, बिकॉज दिस प्रोसीडिंग डिजिट इज ए ओल्ड नंबर, इफ इट इज इवन देर इज नो चेंज, इफ इट इज ओल्ड इट इज इंक्रीज बाई वन या इट इज रेज्ड बाई वन स्टूडेंट्स। तो दीज आर द रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ, ओके स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो के दौरान।